दोस्तों आपसे कुछ ही दिनों बाद वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 स्टार्ट होने जा रहा है और आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने स्क्वाड के लिए बैकअप प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड में कौन कौन से नए प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है जो कि एज ए बैकअप प्लेयर्स आरसीबी के स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी विराट कोहली के फैन और आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको आईपीएल से रिलेटेड सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी लीग के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ मैच और टॉस प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब से कुछ दिनों पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए एक नया रूल क्रिएट किया है, जहां पर बीसीसीआई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सभी टीमों को अपने स्क्वाड के लिए बैकअप प्लेयर्स की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूएई में कोई भी प्लेयर कोविड-19 पॉजिटिव या फिर किसी प्लेयर को इंजुरी हो जाता है तो ऐसे में बैकअप प्लेयर के जो प्लेयर्स होंगे वो स्क्वाड का हिस्सा हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में आरसीबी की टीम ने अपने स्क्वाड के लिए बैकअप प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो अब हम वन बाय वन सभी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो हमारे पहले नंबर के प्लेयर हैं उनका नाम है एवेन लुइस, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और आईपीएल 2020 के ऑक्शन में यह प्लेयर अनसोल्ड गया था, इसलिए एवेन लुइस जो है वो आरसीबी के स्क्वाड में बैकअप प्लेयर के रूप में रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में हम अपने दूसरे नंबर के प्लेयर के बारे में। तो इनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि इस साल आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। तो ऐसे में मनोज तिवारी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड में बैकअप प्लेयर के रूप में रहने वाले हैं। इस लिस्ट में जो हमारे तीसरे नंबर के प्लेयर हैं उनका नाम है मार्टिन गप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं और यह खिलाड़ी भी यूएई में जाकर के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में जो हमारे चौथे नंबर के प्लेयर है वो है बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान। मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल 2020 के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम किसी भी टीम के साथ सीरीज नहीं खेलने वाली अभी, इसीलिए मुस्ताफिजुर रहमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड में बैकअप प्लेयर के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में जो हमारे आखिरी नंबर के प्लेयर हैं उनका नाम है एडम मिलने, और एडम मिलने भी आपको आरसीबी के स्क्वाड में बैकअप प्लेयर के तौर पर नजर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पांच बड़े खिलाड़ी थे जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड में एज ए बैकअप प्लेयर के तौर पर आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आरसीबी के किसी भी प्लेयर को इंजुरी होती है या फिर कोई भी प्लेयर अगर अवेलेबल नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में इन्हीं पांच प्लेयर्स में से किसी भी खिलाड़ी को आरसीबी के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम कहां तक अपना सफर तय कर पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें और अगर आपको यह अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।